शक्तिशाली है। बताना कैसी लग रही हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार सर, जिनकी फिल्म लक्ष्मी को हम सबके बीच में रिलीज हुए को हो चुके हैं अभी तक 32 से 42 घंटे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन 42 घंटे में अक्षय कुमार सर की फिल्म ने अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप अक्षय कुमार सर के एक बहुत बड़े फैन हैं और दोस्तों अगर आप बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन अपडेट जानना चाहते हैं तो आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें लक्ष्मी फिल्म की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी फिल्म एक साउथ की फिल्म कंचना की रीमेक है, जिसको डायरेक्ट करा है साउथ के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म में करना आपको एक्शन के साथ साथ में इमोशनल और दोस्तों सस्पेंस के साथ साथ में हॉरर कॉमेडी भी देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी शानदार तरीके से डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगी और दोस्तों फिल्म के सॉन्ग कतई जहर बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें कि फिल्म ने अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कैसे बना लिया, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी हम सबके बीच में रिलीज करी गई फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा, जिसको जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करा गया तो दोस्तों उस फिल्म ने अपने आप में ही एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था कि उस फिल्म ने अपने पिछले 24 घंटे में लोगों ने उसको इतनी बार देख लिया था कि वो हमारे इंडिया की मोस्ट वॉचड फिल्म बन चुकी थी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म को जब हम सबके बीच में रिलीज करा गया तो दोस्तों वो उसको पिछले 24 घंटे में इतनी बार देख लिया गया है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वहीं पर दोस्तों ये बात हमको मालूम पड़ी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ट्विटर चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर चैनल पे हमको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि पिछले 24 घंटे में लक्ष्मी को इतनी बार देख लिया गया है कि इस फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, दिल बेचारा का। दोस्तों आपको ये बात सुनकर अच्छा लगा या फिर ना लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि तरुण आदर्श एक ऐसे क्रिटिक्स है जिन्होंने अक्षय कुमार सर की पहली फिल्म हाउसफुल 4 को भी, जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार करा था, उसको भी 1 स्टार रिव्यू दिया था, ना जाने क्यों। वहीं पर दोस्तों अब लक्ष्मी को मात्र 2 स्टार रिव्यू दिया है। आखिर दोस्तों ये क्रिटिक्स क्या बिकता है या फिर नहीं, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।